नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है विटामिन। क्या नाम है? विटामिन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन, ठीक है। सबसे पहले विटामिन है क्या? तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहले जानिए कि विटामिन का खोज किसने किया था, ठीक है। तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। किसने किया था? फंक ने विटामिन का खोज किया था। अच्छा, फंक ने विटामिन का खोज कब किया था? तो फंक ने विटामिन का खोज किया था, खोज कब किया था, ठीक है, कब किया? तो विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी को विटामिन का खोज फंक ने किया था। याद रखिए कि विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। खोज कब किया था? 1911 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। किसने किया था? फंक ने किया था। अच्छा, विटामिन क्या है? तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा, विटामिन जो है यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है दोस्तों। देखिए, विटामिन को रचनात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। यह एक शरीर को रक्षा प्रदान करता है, ठीक है, यह भी आप कह सकते हैं। और इनसे कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यह भी आपको ध्यान रखना है कि विटामिन से कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विटामिन से इनसे कोई भी कैलोरी, ठीक है, कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। यह भी आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सबसे पहला टॉपिक क्या था कि विटामिन खोज किया था फंक ने। विटामिन का खोज कब किया गया था? 1911 ईस्वी को। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। यह हमारे शरीर का रचनात्मक प्रणाली है, ठीक है। क्या है? रचनात्मक प्रणाली, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिए, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है। विटामिन जो है ये घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है। आगे इतना आप नोट कर लीजिए, आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो सवाल ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। तो देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है, घुलनशील विटामिन तो कौन कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। याद रखिए कि विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन बी और सी, ठीक है दोस्तों। अब एक आता है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के। याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के। इसको ए, डी, ई को याद रखने के लिए हम लोग कीड़ा भी लिखते हैं, के, ई, डी, ए। इसका मतलब क्या है? देखिए, के, ई, डी, के, ई, डी, ए, यानी विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, यानी याद रखने के लिए, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? कीड़ा, ठीक है। याद रखिएगा कि पानी में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? ए, डी, ई, के, ठीक है दोस्तों। देखिए, विटामिन से संबंधित जो भी सवाल बन सकता है वो मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपसे गुजारिश है कि एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा था? ए, डी, ई, के, और पानी में बी और सी। सबको बारी बारी से, सबका मतलब विटामिन को बारी बारी से रासायनिक नाम जानेंगे और विटामिन की कमी से रोग जानेंगे, ठीक है, और उसका स्रोत जानेंगे। सबसे पहले देखिए, विटामिन बी है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, ठीक है। क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ देर के बाद लिख कर बताऊंगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है अस्कर्वी रोग, यानी कि मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून निकलना, वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है दोस्तों। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। क्या है? आंवला, ठीक है। उसके बाद आता है
वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए डी ई के। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रोतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। यानी कि रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है, ठीक है। तो हम लोग विटामिन डी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से, यानी कि सुबह सुबह का जो सूर्य निकलता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन डी प्राप्त करते हैं, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफिरॉल, ठीक है। विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी, वो महिलाओं में पाया जाता है, जनन शक्ति में कमी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। और विटामिन के है, ठीक है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। तो ये हम अभी यहाँ देख लिए हैं और मैं आगे और बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि विटामिन का खोज फंक ने किया था। खोज कब किया गया था? 1911 ईस्वी को। कार्बनिक यौगिक कहा जाता है विटामिन को, इनसे कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। और विटामिन जो है हमारे शरीर का रचनात्मक प्रणाली है, ठीक है दोस्तों। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? ए डी ई के। इसको हम लोग कीड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, रासायनिक नाम मैं वो एक एक टॉपिक को लिख के बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम आगे देखने वाले हैं एक एक पॉइंट को, उसका रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग, ठीक है। सबसे पहला लिखिए आप विटामिन, विटामिन ए, ठीक है, यहां पे लिखिए विटामिन ए, विटामिन ए। मैं यहां पे सिर्फ विटामिन का नाम लिखते जाता हूं, ठीक है, आप समझ जाइएगा यहां पे क्या है, विटामिन, विटामिन, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन बी यानी कि बी वन, ठीक है, बी वन लिख सकते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी वन, और बी वन में बी में भी ज़्यादा होता है, जैसे विटामिन बी वन होता है, विटामिन बी टू होता है, ठीक है, विटामिन बी थ्री होता है, विटामिन बी फाइव होता है, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी इलेवन, विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? ए हो गया, बी हो गया, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं लिख हो रहा जगह, हम आगे बताते हैं, ठीक है। विटामिन सी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, विटामिन बी इलेवन, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, दिखना चाहिए, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है विटामिन, उसके बाद यहाँ हम देखेंगे इसका रासायनिक नाम, ठीक है, क्या देखने वाले हैं? रासायनिक नाम, ठीक है दोस्तों। एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए, जब हम लिख रहे हैं तो नोट करते चलिएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमिन, क्या होता है? थायमिन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोबिन, ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लोबिन, ठीक है, राइबोफ्लोबिन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है विटामिन बी थ्री, तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है नियासीन, क्या होता है? नियासीन, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। विटामिन बी फाइव का, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड, क्या होता है? पैंटोथेनिक अम्ल, या फिर एसिड भी बोल सकते हैं, अम्ल को एसिड बोलते हैं, यानी कि पैंटोथेनिक अम्ल, ये विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम होता है। और जो इधर जो लिख रहा है सब रासायनिक नाम है, ठीक है दोस्तों। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन, क्या होता है? पैराडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पैराडॉक्सिन जो है ये विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, ठीक है। विटामिन बी इलेवन का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलिक अम्ल, ठीक है, फॉलिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है विटामिन बी ट्वेल्व, क्या है? विटामिन बी ट्वेल्व, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, याद रखिएगा, ठीक है,
साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 में होता है, और विटामिन बी12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कोबाल्ट का संकेत CO होता है, इसका परमाणु संख्या कोबाल्ट का 27 होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद विटामिन सी है, क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का, तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद विटामिन ई का, तो टोकोफेरॉल, क्या होता है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के का फिलोक्विनोन, क्या होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन जो है ये किसका होता है, ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करेंगे इधर क्या था, तो ये मेरा रासायनिक नाम था, लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रासायनिक, रासायनिक नाम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इधर हम देखेंगे विटामिन से होने वाले कमी, ठीक है, जैसे कि देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है, याद लिखते चलिएगा रतौंधी, ठीक है, रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है, कौन सा होता है बेरी बेरी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी। विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी टू की कमी से होता है, लिखिएगा, जैसे देखिए आंख का लाल होना, त्वचा का फटना और जीभ का फटना, ये विटामिन बी टू की कमी से होता है, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे आंख का लाल होना, ठीक है, आंख का लाल होना, ठीक है, त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, उसके बाद एक और लिख लीजिए यहाँ पे, त्वचा, आंख का लाल होना, त्वचा का फटना और जीभ का फटना, ये विटामिन बी टू की कमी से होता है, ठीक है, जीभ का फटना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है विटामिन, सॉरी, ये विटामिन बी टू की कमी से होता है, ठीक है, इधर, अरे देखिए विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन बी टू की कमी से कौन सा होता है, आँख का लाल होना, वहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है, आँख का लाल होना, उसके बाद क्या है त्वचा का फटना, लिखते चलिएगा, उसके बाद है जीभ का फटना, ठीक है दोस्तों, जीभ का फटना, ये क्या होता है, ये विटामिन बी टू की कमी से होने वाले रोग है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन, कमी से आंख का लाल होना, त्वचा का फटना और जीभ का फटना। विटामिन बी थ्री, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासीन, ठीक है, और विटामिन बी थ्री की कमी से होता है पेलाग्रा रोग, कौन सा रोग होता है पेलाग्रा, याद रखिएगा कि विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है पेलाग्रा रोग। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासीन, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग त्वचा दाद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वचा दाद, किसको, तो पेलाग्रा को, क्या बोलते हैं, त्वचा दाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विटामिन B5, तो इसकी कमी से होता है, देखिए विटामिन B5 का सही नाम क्या होता है, पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, इसका होता है बालों का सफ़ेद होना, बाल का सफ़ेद होना, ठीक है, बाल का सफ़ेद, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B5 के। उसके बाद मंद बुद्धि, यानी मंद बुद्धि होना, ठीक है, मंद बुद्धि होना, ये विटामिन B5 के कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पैराडॉक्सिन, और विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया रोग, कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग, या फिर हम लोग त्वचा रोग भी बोलते हैं, या विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग और त्वचा रोग, ठीक है, कौन सा रोग, त्वचा रोग, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे एग्जाम में 1 से 2 नंबर का सवाल पूछ देता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसकी कमी से होता है लकवा, लिखिएगा लकवा होता है, या फिर बालों का जो गिरना है, जो बाल हम लोग को टूट कर गिरता है, वो विटामिन B7 की कमी से होता है, विटामिन B7, ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, और लकवा होता है इसकी कमी से, और बालों का गिरना, ठीक है, बालों का गिरना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक अम्ल, ठीक है, उसके बाद इसकी कमी से होता है, विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग, ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लीजिए एनीमिया रोग, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12,
इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 में ही सबसे ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन बी12 का कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग और पांडु रोग। ठीक है दोस्तों, एनीमिया रोग और पांडु रोग, एक पांडु रोग है। ठीक है, पांडु रोग। ठीक है दोस्तों, अब आया था विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग। और इसी में ही मसूड़ों का फूलना, ठीक है, इसको हम कहते हैं मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, अस्कर्वी रोग, ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, देखिए विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत यहाँ पे लिख देते हैं, आंवला है। क्या है दोस्तों? आंवला। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है, लेकिन विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ठीक है, क्या है? गाजर। ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, अगर आ जाएगा विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफिरॉल। और विटामिन डी का कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स ये बच्चों में होता है, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये बच्चों में पाया जाता है रिकेट्स बीमारी। यानी कि देखिए इसे क्या होगा कि हड्डियों में थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप मॉर्निंग में सुबह सुबह ठंडे के दिनों में सूर्य का प्रकाश जो सुबह सुबह निकलता है वहां पे जाइए और विटामिन डी लीजिए सूर्य के प्रकाश से। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन डी का सही नाम क्या होता है? कैल्सिफिरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, विटामिन ई का सही नाम क्या है? टेकोफिरॉल। और विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति में कमी। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? जनन शक्ति में कमी, ये महिलाओं में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो जनन शक्ति में कमी है ये महिलाओं में पाया जाता है, लिख लीजिएगा महिलाओं। ठीक है दोस्तों, ये महिलाओं में पाया जाता है जनन शक्ति में कमी। ठीक है, और लास्ट है मेरा विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, ये विटामिन के कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक एक टॉपिक कवर करवा दिए हैं। सबसे पहला है कि विटामिन, इधर रासायनिक नाम, इधर विटामिन से कमी से होने वाले रोग है। ठीक है, विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। ठीक है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोबिन। आंख का लाल होना, त्वचा का फटना, जीभ का फटना, ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी3 का सही नाम क्या होता है? नियासिन। इससे कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। इसको हम लोग त्वचा दाद भी बोलते हैं। किसको? पेलाग्रा को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन बी5। इसका सही नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल। बाल का सफेद होना और मंदबुद्धि होना, ये विटामिन बी5 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन बी6। इसका रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन, एनीमिया रोग और त्वचा रोग, ये विटामिन बी6 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन बी7। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। क्या है? विटामिन बी7, विटामिन बी11, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, यहाँ क्या था? ए था विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5 और विटामिन बी6। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ थे? तो विटामिन बी6 पैराडॉक्सिन और कमी से एनीमिया रोग और त्वचा रोग। ठीक है, अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप इसको 360 पे देख सकते हैं, 360 पे या फिर 480 पे। ठीक है, आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन बी7, बायोटीन होता है इसका रासायनिक नाम, लकवा और बालों का गिरना, ये विटामिन बी7 की कमी से होता है। विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, रासायनिक नाम, उसके बाद एनीमिया रोग होता है विटामिन बी7 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन बी12, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं CO। ठीक है, इसका कोबाल्ट का परमाणु संख्या होता है 27। कितना होता है? 27। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है विटामिन बी11, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल, इसका कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, एनीमिया रोग, पांडु रोग। ठीक है,
विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, सॉरी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम होता है, रिकेट्स यानी बच्चों में होता है, ठीक है। तो बच्चों में हड्डियों में टेढ़ापन, तो विटामिन डी कहाँ से लेंगे हम, तो सूर्य के प्रकाश से लेते हैं विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसे कमी से होता है, देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। जनन शक्ति में कमी, यह महिलाओं में होता है, जनन शक्ति में कमी, ठीक है, ये विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी, सबसे लास्ट है फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना, ये विटामिन के की कमी से होता है, और फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। इससे जो मैं अभी बताया हूँ विटामिन, इससे एग्जाम में सवाल एक से दो नंबर का पूछ दिया करता है, ठीक है। इसको आप बढ़िया से आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।